न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के चुनावी समर में भाजपा की सभाओं को संबोधित किया। भोपाल में मीडिया से चर्चा में राजनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने नारे तो बहुत दिए लेकिन अमल नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांग्रेस में यहां पता नहीं कि सेनापति कौन है, मुख्यमंत्री को लेकर वह स्वयं ही कंफ्यूज है, इसीलिए नाम घोषित नहीं कर पा रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि गरीबी हटाओ सहित कई नारे कांग्रेस ने दिए लेकिन किसी पर अमल नहीं किया। राजनाथ सिंह ने लगातार चौथी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के प्रति लोगों में भरोसा है और वह उन्हें चौथी बार प्रदेश की सेवा का मौका देंगे। गरीबी हटाओ का नारा भी ये कांग्रेस का ही जो दिया हुआ है, बहुत पुराना नारा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि गरीबी हटाओ के अतिरिक्त कई प्रकार के स्लोगन समय समय पर उनके द्वारा दिए गए हैं। इंदिरा गांधी ने भी एक स्लोगन 69 में दिया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हम कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान के गरीबों को सर्वाधिक लाभ होने वाला है, लेकिन गरीबों का कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन उनके भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।